हमारे चैनल को लाइक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल की आने वाली हर वीडियो आपको। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे। नॉर्मली मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप सबको गाइड किया कि आपने बच्चों को रिइंफोर्समेंट स्केड्यूल कैसे देना है, थेरेपी कैसे देनी है, अपने बच्चों को मैनेज कैसे करना है, उनका असेसमेंट जो स्केड्यूल है वो आपने कैसे बनाना है। मैंने आप लोगों को बेसिक्स सारी नॉलेज दे दी। मुझे कुछ मदर्स ने काफ़ी ज़्यादा कहा है कि अगर हम घर में बच्चे के साथ सेशन देते हैं तो वो हमें नहीं पता कि हमने बच्चों को किस तरह हैंडल करना है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ किस तरह इंट्रोड्यूस करवानी है। तो आज की मैं इस वीडियो में और फर्दर जितनी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि आपने डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट टास्क को लेते हुए आपने अपने बच्चों के साथ घर में अगर आप आधा घंटा दे रहे हैं, घंटा दे रहे हैं, पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगी कि आप हाफ एन आवर 30 मिनट क्लास में अपने बच्चे को घर में लेके बैठे। बेशक बच्चा किसी सेंटर में जा रहा है, थेरेपी ले रहा है या नहीं ले रहा है, आप उसको घर में सुबह और शाम हाफ एन आवर लाजमी दें अपने साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप बच्चे के साथ डिफरेंट सेशन रन कर रहे हैं घर में तो आपने उसको किस तरह लेकर चलना है। सम टाइम ये होता है कि आपको नहीं पता स्टार्टिंग में बच्चे को कैसे लेकर चलना है, तो इस वीडियो में मैं रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल 1 मतलब हर एक ट्रायल के बाद मैं बच्चे को फौरन से कुछ ना कुछ दूंगी जो कि बच्चे का फेवरेट है। वो खाने में भी हो सकता है, वो किसी टॉय में भी हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको FR1 मतलब हर एक ट्रायल के बाद खाने के बाद कुछ देना है उसको लेके चलते हुए डिफरेंट गोल्स कौन से, जैसे 1-2 मैचिंग, बच्चे के अंदर ड्रेसिंग और कलरिंग, ये आपने स्किल्स कैसे बिल्ड करनी है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। इनिशियल लेवल पे जैसे मैचिंग है तो हम उसको सिर्फ 1 विदाउट एनी डिस्ट्रैक्टर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम फर्दर जो मैचिंग का स्केड्यूल है मतलब 1 array of 2, 1 array of 3, 3 array of 4 हम ये मैचिंग स्टार्ट करेंगे। अगर हम लोगों ने राइटिंग स्टार्ट करनी है तो उसमें सबसे पहले इनिशियल स्टेज है कि आपने बच्चे को पेंसिल होल्डिंग आनी चाहिए, इसके लिए पेंसिल ग्रिपर्स भी होते हैं। अगर बच्चे की जो फाइन मोटर स्किल्स है या ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं वो स्ट्रांग नहीं है तो आप पेंसिल होल्डर या पेंसिल ग्रिपर लेके उसमें बच्चों की फिंगर्स को आप होल्ड करके तो आप उस पर बच्चे की जो होल्डिंग है वो इम्प्रूव करवा सकते हैं। फर्स्ट लेवल ये है कि बच्चे की जो पेंसिल होल्डिंग है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। फर्दर हम उसको फिर ट्रेसिंग की तरफ लेके आते हैं, स्ट्रेट लाइन, देन जब वो हो जाता है तो हम उसको फिर शेप्स पे मूव ऑन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी, मेरे साथ आज के इस वीडियो में एक आज चाइल्ड है जो वो ऑटिस्टिक है, माइल्ड ऑटिज्म के साथ बच्चा डायग्नोस हुआ हुआ है और उसके साथ मैं आपको ये एक्टिविटीज मैचिंग, नंबर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 एंड ट्रेसिंग और कलरिंग, ये 4 गोल्स मैं लेके चलूँगी और इसमें मैं आपको बताऊँगी इसमें आप डिफरेंट गोल्स रन कर सकते हैं, डेट्स नॉट कंपल्सरी कि आपने यही रन करने हैं। और मैं आपके इस वीडियो में आज बताऊँगी कि आपने किस तरह बच्चे को मैनेज करना है ड्यूरिंग सेशन अगर कुछ बिहेवियर्स भी शो हो रहे हैं। ओके, इस वीडियो में जो बच्चे का रीइंफोर्सर मैं यूज़ कर रही हूँ वो है कपकेक। बच्चे को कपकेक बहुत ज़्यादा पसंद है तो बच्चे के अंदर स्किल बिल्ड करने के लिए मैं उसको कपकेक ऑफर करूंगी। अब ये देखें बच्चे की नीड है। ओके, यू वांट दिस, वेटिंग, आपने हर काम बहुत ज्यादा क्विकली करना है। अब मैचिंग, क्योंकि बिल्कुल इनिशियल है, मैचिंग का कॉन्सेप्ट बच्चे को नहीं है। हैंड्स ऑन वेटिंग, 5, 4, 3, 2, 1, 0, गुड वेटिंग, मैच। आप उस बच्चे को पॉइंटिंग का पता, मैचिंग का नहीं, हाथ पकड़ के मैचिंग, गुड मैचिंग, हाई फाइव, गुड जॉब, एंड लिटिल बिट, बहुत ज्यादा नहीं देना ताकि बच्चे को इसकी नीड रहे। अगेन मैच, मैचिंग, वेल डन बॉय, दिस इज फॉर यू। Huh?
गिव मी वन, गिव मी वन, गुड जॉब, हाई फाइव, एंड दिस इज फॉर यू. इमीजिएटली बच्चे को वन को पॉइंट, क्योंकि ऑलरेडी मैं करवा चुकी थी पॉइंट वन, पॉइंटिंग का आइडिया था, गिव मी वन का नहीं था. तो जो इसमें मेरी कमांड थी गिव मी वन, तो गिव मी वन से मैंने वन के साथ अब एक डिस्ट्रैक्टर इंट्रोड्यूस करवा दिया था. ओके, और इसमें गिव मी में बच्चे ने पॉइंट ही किया क्योंकि उसको पॉइंटिंग का आइडिया था. तो उसको पॉइंटिंग को गिव मी में चेंज करने के लिए अब गिव मी कमांड है. वेटिंग फॉर सेट नाइसली. अब वो मेरे हाथ से वन किस लिए ले रहा है कि मैं वन दूंगा तो मुझे मेरा रिइंफोर्सर मिलेगा. हमेशा आपने अगर पहले वन इधर था तो अब हम इधर रखेंगे शफल करके. गिव मी वन, गिव मी वन, वेल डन बॉय, हाई फाइव, एंड दिस इज फॉर यू. सिट नाइसली, वेटिंग. और साथ ही आप बच्चे के अंदर वेटिंग, क्योंकि इन बच्चों के अंदर वेटिंग नहीं होती तो हम वेटिंग इंक्रीज करवाएंगे. फाइव, फाइव से स्टार्ट करेंगे, फाइव सेकेंड, देन टेन सेकेंड, ट्वेल्व सेकेंड, थर्टीन सेकेंड. आप सामने मोबाइल रख के टाइमर ऑन कर सकते हैं ताकि बच्चे को वेटिंग का आइडिया हो. फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, जीरो. नॉट ट्रेसिंग टाइम. ट्रेसिंग राइटिंग बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आप डार्क डॉट्स पेज पे ड्रॉ करेंगे. और याद रखिए आपने एक गोल फाइव टाइम्स बच्चे से करवाना है. इजी. बच्चा जब वोकल स्ट्रीमिंग करे या हैंड क्लैपिंग करे तो आप उसको कमांड दे दें इजी ही, और उसके हाथ पकड़ के नीचे रख दें. फाइव टाइम अगर आप एक गोल रन करवाएंगे तो बच्चा बोर भी नहीं होगा और बच्चे की मेमोरी में वो गोल है वो स्टक हो जाएगा, वो रिकग्नाइज कर लेगा. अब डार्क डॉट्स के साथ ट्रेस लाइन हमने ड्रॉ कर लिया. ट्रेस, आपकी कमांड बहुत छोटी होनी चाहिए. अब बच्चे को आइडिया नहीं है तो आपने उसका हाथ पकड़ के ऐसे, और उसको आई कॉन्टेक्ट बच्चे का बिल्कुल उसके ऊपर हो और ट्रेसिंग करवा दें. वेरी गुड, वेल डन, हाई फाइव. क्योंकि बच्चे का एफ आर वन है तो हमने अभी फाइव ट्रायल्स थी, क्योंकि इसकी आप देखिए फाइव लाइन ड्रॉ की हैं, वन टू थ्री फोर एंड फाइव. वन लाइन ड्रॉ करवाने के बाद फौरन से रिइंफोर्सर दिया. ठीक है, अब बच्चे को हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ बॉडी, क्योंकि इसको ऑलरेडी आते हैं, वो बच्चे की मेंटेनेंस है, तो हम एक पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो बच्चे को दोबारा से याद करवाएंगे एज अ मेंटेनेंस. टच योर नोज, हैंड जीजी. जो चीज बच्चे को आती है, जैसे मैंने टच योर नोज का, बच्चे ने टच किया नोज को, तो उस पर मैं गुड जॉब वेल डन नहीं कहूंगी क्योंकि ऑलरेडी चाइल्ड नोज. अब जैसे राइटिंग का ये बच्चे को मैंने न्यूली इंट्रोड्यूस करवाया तो इस पे मैं अप्रिशिएट करूंगी. माउथ क्लोज, टंग इन, गुड जॉब. नाउ ट्रेस, लुक डाउन. आप सर पकड़ के अगर बच्चा नहीं आई कांटेक्ट दे रहा, लाइक दिस. वेल डन, हाई फाइव, वेल डन. नाउ इट्स कलरिंग टाइम. अगर बच्चा बहुत ज़्यादा लाइक छोटा है, दो साल का, ढाई साल का, तीन साल का, तो जब भी आपने वेटिंग कलरिंग की सेंस बिल्ड करनी है तो आप सर्कल बना के छोटा सा, और उसके साइड पे आप ग्लू गन से आप बॉर्डर बना लो. ठीक है, बॉर्डर बनाने से होगा कि जब बच्चे को आप कलर करवाएंगे तो कलर विद इन बाउंड्री रहेगा, बाउंड्री से बाहर नहीं निकलेगा, तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा. अगर बच्चा मैच्योर है लाइक फोर ईयर्स फाइव ईयर्स,
तो आई प्रेफर कि आप कोई बाउंड्री नहीं बनाए, ताकि बच्चे को खुद से कॉन्सेप्ट रहे कि मैंने विद इन सर्कल कलर करना। ओके, नाउ इट्स कलरिंग टाइम, लेट्स डू कलर, हरी अप, इट्स वर्क टाइम, 5, 4, 3, 2, 1, 0, let's do color. Now child has no concept of coloring. बच्चे का हाथ पकड़ा के, ताकि बच्चे को नजर भी आए, तो इस तरह से लुक डाउन और आप साथ बच्चे को अप्रिशिएट करिए सर्कल की बाउंड्री को। वाव, गुड जॉब विद इन द बाउंड्री। वाव, वेरी गुड, हाई फाइव, वेल डन। Match. Matching. Good matching. High five. This is for you. अब बच्चे को pointing का concept है, matching का नहीं है. Match. Very good. This is for you. क्योंकि आप इस केक की वजह से बच्चा बार बार पीछे देख रहा है कि मुझे केक लेना है, तो उसको मैचिंग का कॉन्सेप्ट विद वन पिक्चर हो गया है। अब मैं इसके साथ एक डिस्ट्रैक्टर रखूंगी एंड देन अगेन मैच। वाओ, वेल डन, हाय फाइव। क्योंकि बच्चे को अब ये विद वन पिक्चर आ चुका था, डिस्ट्रैक्टर मैंने दिया, उसने मैथ से किया, ठीक है। अब मैं शफल करके, क्योंकि अब वन पिक्चर ये सेम उसको रिकग्निशन हो गया, ये उसकी मेंटेनेंस होगी, उस पर मैं रिइंफोर्स नहीं करूंगी। मैच, मैच, वेरी गुड बॉय, हाय फाइव। अब बच्चे को, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ था, इसलिए मैंने कुछ भी अप्रिशिएट नहीं किया, बिकॉज ही नोज, और फिश मैंने न्यूली इंट्रोड्यूस करवाया था, तो मैंने उस पर बच्चे को रिइंफोर्स किया अभी तक। अब आप देखें, जब भी मैं उसको मैच का कहती हूँ, तो नाउ ही इज पॉइंटिंग, तो ही डिडंट नो मैच, क्योंकि पॉइंट से स्टार्ट कराया था, आपको कुछ चाहिए तो पॉइंट, तो ही नोज पॉइंटिंग। अब पॉइंटिंग खत्म करने के लिए अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि एररलेस स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। एररलेस स्टिचिंग मीन्स कि हम बच्चे को वो मिस्टेक करने ही नहीं देंगे जो कि हमने पता है बच्चे ने करनी है, लाइक दिस विद मैच। Very good, high five. This is for you. Means के बच्चे को पता था कि उसने पॉइंट करना है, तो उसके पॉइंट करने से पहले मैंने उसका हाथ खुद से पकड़ के उसको होल्ड करवा दिया, ताकि उसको पता चले कि नो पॉइंटिंग, मैंने पिक्चर पकड़ के मैच करनी है। आप इस ही पैटर्न के साथ, इसी मेथड के साथ जब ये स्टार्ट करवाएंगे, तो आपने इसी तरह जो गोल्स है वो इंट्रोड्यूस करवाते जाने हैं शफल करवा के, और आप बच्चे को गोल्स सिखा सकते हैं मैचिंग। इसी तरह जब 2 की रे आ जाएगी, तो आप इसके साथ 3, 4, 5, मैं आपको 3 की रे के साथ करके दिखा देती हूँ। मैच, वेरी गुड, हाय फाइव, शफल, मैच, वेरी गुड, वेल डन, हाय फाइव, हाय टेन,
वन मोर ट्रेस Very good. Film, boy. This is for you. अब देखिए बच्चे को होल्डिंग का कॉन्सेप्ट था क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा दफ़ा पहले भी ट्रेसिंग कर चुके हैं तो ही नोज ट्रेसिंग कैसे करनी। मैंने पेंसिल ऊपर से इसलिए पकड़ी कि वो इंडिपेंडेंटली पेंसिल जो है वो ट्रेसिंग कर लेता है, सिर्फ उसकी ग्रिपिंग रहे कि मैंने डॉट के साथ डॉट मिलाना है और उसकी जो स्पीड है वो फास्ट। नाउ इजी हैंड्स इजी और मैंने पेंसिल को ऊपर से सपोर्ट दिया था। इसी तरह आपने इन सारे गोल्स को लेकर चलना है। होप सो कि मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और ज़रूर बताऊँगी। अल्लाह हाफिज़।